पानीपत में रहने वाले लोग चीख चीख कर प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी बच सके, लेकिन प्रशासन है कि अपनी मनमर्जी की नींद सोया हुआ है। किले पर रहने वाले लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नालियां बंद करवाकर गलियों में बड़ी बड़ी पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिससे वहां की मिट्टी उखड़ने के कारण बरसात का पानी जमीन जमीन के अंदर समा मिट्टी को खोखला करना शुरू कर दिया है और जिसकी वजह से लोगों के घरों के नीचे की मिट्टी बहकर इधर उधर सरकने लगी है, जिसके कारण लोगों के घरों में फर्श दीवारों और यहाँ तक कि छतों में भी दरारें आनी शुरू हो गई, जिसके कारण कभी भी उनके मकान ढहने के कारण कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और वह अपनी ही धुन में वहाँ की नालियाँ बंद कर सीवरेज व्यवस्था को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। आज जब मौजूदा पार्षद मीनाक्षी नारंग व उनके पति अशोक नारंग उनके बुलाए अनुसार वहां पहुंचे तो उन्हें देख किलेवासियों का दर्द आंखों से आंसू बनकर झलक उठा। किलेवासियों ने पार्षद और पार्षद पति से कहा कि वे लोग अपने ही घरों के अंदर घुसने से डरने लगे हैं, लेकिन उन लोगों का कोई और ठिकाना नहीं है, इसलिए मजबूरी वंश उन्हें इस मौत के साय में पनाह लेनी पड़ती है। मौके पर पहुंचे पार्षद पति ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि कल विधायक प्रमोद विज को मौके पर लेकर आएंगे और फिर देखेंगे कि उनकी समस्या का क्या समाधान निकलता है। ऐसा जी, यहाँ पे मैं किस मीडिया में भी देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ फोन में जैसे हमारे प्रधान दीपक जी खड़े हैं, इनका 3-4 दिन पहले उनको फोन आया था कि अशोक जी एक बार ना यहाँ आइए आप किले क्षेत्र में, रिहायशी इलाके में आके देखिए कैसे मकान फट रहे हैं। और मैं और मीनाक्षी नारायण जो मौजूदा पार्षद हैं इकट्ठे हम लोग आए हैं दोनों, तो आज देख के हम लोग पहले तो जमीन खिसक गए हैं कि इतनी ज़्यादा ये लोग रिस्क में रह रहे हैं, मतलब किसी समय यहाँ कोई हादसा हो सकता है। कई मकान हमने ऐसे देखे जो 2 फाड़ हो चुके हैं, मतलब किसी समय भी यहाँ कोई हादसा हो सकता है। मैंने कल आपको इस बारे में जब इनका अपना प्रधान जी का फोन आया कल मेरे को, तो मैंने अपना विधायक जी से बात की प्रमोद जी से कल रात को करीब 8:30 बजे, तो उन्होंने कहा शोक मैंने आज आना था, आज और कल छुट्टी होने की वजह से अधिकारियों के ना होने की वजह से मैं सोमवार को सुबह आऊँगा वहाँ पे किले पार क्षेत्र में और जो भी प्रशासन अधिकारी हैं सबको लेकर आऊँगा। और जो भी मतलब जैसे कि अब समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या कोई कह रहा है भाई ये नालियाँ जब से कवर हुई हैं 2 साल पहले उस समय से ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई कह रहा है भैया ज़्यादा टूवल लगे हैं, जैसे तरह बहुत बड़े बड़े हैं किले पार्क के अंदर 2 टूवल बहुत बड़े बड़े लगे हैं, शायद वो कारण या क्या कोई प्रकृति कारण है इसकी। मैं कल कमिश्नर साहब से कमिश्नर साहब भी आएंगे तो मैं मौके पे यही कहूँगा कि अपना उनको जांच करवानी चाहिए इसका कारण क्या है, और जो इसका अधिकारी इसका जिम्मेवार है, जो इसका महकमा जिम्मेवार है, वो पूरा मुआवजा दे यहाँ के लोगों को दोबारा, जो मकान उनका नुकसान हो उनकी भरपाई करे, क्योंकि यहाँ के जो लोग निवासी हैं बहुत गरीब आदमी हैं, करीब कोई 50-60 गज के मकान यहाँ बने हुए हैं, कोई 40 गज के, कोई 30 गज का, मैंने एक देखा मास्टर घर देखा अभी वो कराए उनके मास्टर घर से, तो ये कह रहे थे मतलब 30-40 गज का घर है, और वो ये कह रहे थे कि मैंने 1.5 साल पहले जो पुराने DC थे उनको रिटर्न में लिख के दिया था कि ऐसे ऐसे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है और आने वाले टाइम में बहुत भयानक हो सकती है, और उनका कथन आज सत्य नजर आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और मैं प्रशासन से आग्रह करूँगा कि जो भी इसके अधिकारी हैं उनको सख्त से सख्त, जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए इस बारे में। आप मौजूदा पार्षद हो, इस समस्या का निदान करने के लिए क्या करोगे? अब यही है, कल प्रमोद विद्या विधायक जो हैं वो आ रहे हैं कल खुद मौके पर, और अधिकारी जितने भी आ रहे हैं चाहे वो अपना स्वास्थ्य विभाग के चाहे निगम के अधिकारी जो भी अधिकारी आएंगे जो देखेंगे इसका कारण क्या हो सकता है। अब कोई मेरे को यहाँ ये भी बता रहा था कि किला किसी टाइम कच्चे टीले के ऊपर बना था और कच्चा टीला उस समय था, मिट्टी थी ऊपर, फिर रोड़े बिछा के ऊपर मकान को उन्होंने सोचा था कि प्रकृति कारण भी हो, ये इनके कारण कोई भी हो सकता है, जो भी हो ये इंजीनियर आके देखें इसका कारण क्या है, क्योंकि ये तो होता है लाइन और मकान फटे हैं, कोई मकान 10 मकान छोड़ के फटा है, कोई मकान 2 मकान छोड़ के फटा हुआ है, पर नुकसान बहुत ज़्यादा है, ये तो देखने लायक बात है कि कोई भी जान मान हाल की हानि हो सकती है यहाँ। अगर कोई हादसा हो जाए तो इसमें प्रशासन जिम्मेवार होगा? बिल्कुल, प्रशासन जिम्मेवार है, हम लोग भी जिम्मेवार हैं, मैं तो खुद को कह रहा हूँ कि हम लोग भी जिम्मेवार है, प्रशासन इसकी जिम्मेवारी लेगा पूरी, पर ऐसा नहीं कल इसका कोई ना कोई समस्या हल निकाल लेंगे हम लोग। जैसे कि हमने पहले 2013 में जब पार्षद बना था, आपने एक भास्कर अखबार आती है मीडिया में, मैंने सबसे पहले ही लिखा था कि मेरा सबसे पहला मुद्दा यही हुआ किले वासियों को उनके मकान दिलवाने, और हमने उसमें प्रधान दीपक जो सब मेरे खन्ना साहब जितने एक सब ने मिलकर हमने वो मुद्दा सुझाया था और सभी किलावासियों ने, और अब आने वाले टाइम में इसका समस्या का समाधान होगा और कल ही होगा उम्मीद पूरी है मुझे। हमने एक एक घर जाके देखा कि लोगों के घरों में कैसे दरारें आई हुई हैं, कई घर तो ऐसे हैं जिनके 2 फाड़ हो चुके हैं, दीवारें गिर चुकी हैं,
और हम एक मास्टर जी के घर में गए, वहाँ पर हमने देखा वो बेचारे बड़ी मुश्किल में थे। उन्होंने रिटर्न में भी लिख कर दिया था कि इसका समाधान किया जा सके, लेकिन अभी कुछ हो नहीं पाया है। इसलिए हम एक एक घर में गए हैं, हमने घर घर जाके देखा है कि कैसे हाल है, लोग बड़े मुश्किल में रह रहे हैं, कोई पता नहीं, कुछ भी हादसा किसी भी टाइम हो सकता है। इसलिए मैं प्रशासन से और अपने विधायक जी से यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द कदम उठाया जाए और इसका समाधान किया जाए। पार्षद होने के नाते आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम तो यही चाहेंगे कि लोग जो इतनी मुश्किल बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान के रिस्क है उनका, लेकिन फिर भी वो रह रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए।